अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, इस मुबारक महीना रमज़ान के गुजर जाने के बाद आज ईद का दिन है। मैं अपने तमाम वार्ड नंबर 137 में रहने वाले तमाम लोगों से का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस लॉकडाउन के मौके पर आज जिस तरह से आंधी तूफान आया और बर्बादी बेहिसाब हुआ पश्चिम बंगाल का, ख़ासकर हमारे मटियाबुर्ज में भी बहुत से गरीबों का घर का टाली उड़ गया, गाछ वगैरह गिर गया। हम लोगों से जितना बन पड़ा हम लोगों ने किया और इंशाल्लाह आने वाला कल भी हम लोग करेंगे। आप लोग को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस लॉकडाउन के मौके पर आप लोगों ने नमाज अपने अपने घरों में पढ़ा, इसका भी मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हम लोगों की सरकार हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की बातों को आप लोगों ने अमल किया, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम लोग मिलजुल कर हम सब इस लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, इसके लिए भी हम लोग वक्ती परेशानी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द यह कोरोना वायरस जो पूरे दुनिया में के लोग लगभग ज़्यादातर कंट्री इसमें मुब्तला हैं, परेशान हैं, सभी सामना कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इस लॉकडाउन का सामना कर रहा है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए और लॉकडाउन को फॉलो कीजिए। बाकी मेरी गुजारिश है कि जो भी सियासी पार्टी इस लॉकडाउन के मौके पर कोई भी गंदा सियासत ना करे, हम सब मिलजुल कर इसका सामना करें, आम आदमी की मदद करें और ख़ुद एक आम आदमी बनकर हम सब इसमें शामिल हो और कोई ऐसा गंदा सियासत ना करे और ना ही कोई ऐसा जाति किसी के जातियात पर हमला करे। अगर आपको सियासत करना है तो आप खुल के कीजिए, अच्छी बात है, आप अपनी बातों को रखिए। सियासत के बुनियाद पर हम लोग अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के मौके पर जिस तरह से बीजेपी, आरएसएस, सीपीएम, कांग्रेस गंदी सियासत कर रही है, लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग अगर मेरे भी ख़िलाफ़ है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेहरबानी करके आप भी ये कोशिश कीजिए कि जिस तरह का गंदा सियासत आप भी ना करें और कोई ऐसा काम ना कीजिए जो आम आदमी तक गलत पैगाम जाता हो। आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, खुशी से लड़िए। इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप किसी के जातियात पर हमला ना कीजिए, यह मेरी गुजारिश है। और कोशिश ये कीजिए कि आप अपने किरदार, अपने काम के बुनियाद पर पहचान बनाइए। मुझसे जो बन पड़ा 2015 से लेकर 2020 तक मैंने काम किया है, अब पब्लिक के हाथ में, पब्लिक अगर दोबारा मौका देगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर काम करूँगा, वरना पब्लिक जिसको मौका देगी वो काम करेगा। इसमें किसी का पर्सनल अटैक, गाली गुप्ता, ये वो बड़ा गैरत लग रहा है, अब दुख भी बहुत हो रहा है। तो मैं तो एक वादा करूंगा कि जो भी लोग मुझको मानने वाले हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस गंदे राजनीति के चक्कर में ना पड़े और ख़ासकर सोशल मीडिया के चक्कर में ना पड़े जो इस तरह का प्रचार किया जा रहा है, इससे परहेज़ करें। और जो लोग झगड़ा लड़ाई या मारा पीटी के चक्कर में जा रहे हैं और किसी के भी लोग हो, किसी के भी औलाद हो, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप ऐसा कोई काम ना कीजिए जिससे समाज को शर्मिंदगी उठानी पड़े, आपके माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए मैं अपने मानने वालों से और जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। यही चंद बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और आप तमाम हमारे इस वार्ड में रहने वाले हिंदू भाई, मुसलमान भाई, हर जाति के लोगों को ईद की बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाला कल हम लोगों का इससे बेहतर और अच्छा होगा। जय हिंद, जय बांग्ला। फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। Also press the bell icon. Thank you.